क्या सोचा था कि गलियाकोट में लौट के नहीं आएंगे? ऐसा गलत। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं आप सभी को। ये हमारे हीरालाल जी का तोड़ने वाला शब्द था, मेरे जोड़ने वाला कर दिया है दामाद जी का। मुझे ये बताओ, सिर्फ हाँ या ना में मैं सवाल पूछूंगा, हम 2015 से आप लोगों को बोल रहे हैं ग्राम सभा बनाओ, बोली करते हो और बेणेश्वर में पैसे दूसरे को देते हो, तो ये लड़ाई कौन लड़ेगा? हमने ठेका लेके ले रखा है क्या? हम लोग ये बार बार इन लोगों से लड़ेंगे? गलती आप लोग करोगे, लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। गलती आप लोग करोगे, सस्पेंड मोहनलाल जी परमार होंगे, सस्पेंड दिनेश भाई खारे होगा, ये ठेका अब हम लोग नहीं उठाने वाले। गुस्सा आता है इसलिए बोलना पड़ता है, नहीं उठाने वाले। गुस्सा आता है इसलिए बोलना पड़ता है, नहीं एटले कोई कब तक हम लोग उनके पीछे जाएंगे? हमने बोला 5वीं अनुसूची को संपूर्ण रूप से लागू करो। हमने बोला कि हमारा बिल प्रदेश चाहिए। बिल प्रदेश बन गया क्या? 70 साल से हमारे ऊपर ये राजनीतिक पार्टियां, कभी उधर कभी उधर हमको, ये राजनीतिक पार्टियां कभी उधर कभी उधर हमको फुटबॉल की तरह लात मार रही है। और हमने थोड़ा सा इस इलाके में ये सोचा है, सुना है भाई पहल मौजूद दम दे जो है हमारे में, तो पहले से ज्यादा दम है। आप में जो दम कम हो गया है उसको हम कौन सा टीका लगा के ये टेस्ट करें, ये बताओ मेरे को, कौन सी दवाई पिलाए आप लोगों को? ना ये BAML काम ना नहीं है, एम आदमी तमार करने आविन कहे, ये BAML काम ना नहीं है, एम आदमी तमार करने आविन कहे, तुम्हें पीछे करने कहीं रह जाओ, तो ये हमारा जो भी झंझा कर चल रहा है उसको खत्म करना है क्या? अभी तो दो निकाले हैं, तो सरकार में जो भी हमारे MLA गए, चाहे कांग्रेस के चाहे BJP के गए, वो भी जोहार बोलने लग गए, वो भी जय आदिवासी बोलने लग गए, वो भी आरक्षण की बात करने लगे। जिस दिन आपके 17 MLA विधानसभा जयपुर में जाएंगे, निश्चित रूप से आपके बिल प्रदेश का, वो भी आरक्षण की बात करने लगे। जिस दिन आपके 17 MLA विधानसभा जयपुर में जाएंगे, निश्चित रूप से आपके बिल प्रदेश का सपना होगा, सब मावजी महाराज का सपना पूरा होगा, रोंगे महाराज का सपना पूरा होगा। लेकिन थोड़ा धैर्य तो रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा। अभी हम लोग शिकायत सुनते हैं, हम लोग क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? वो एक हेडपंप लगाने के लिए लड़ रहे हैं। मारे कह रहे हेडपंप नहीं लागू एटले मारे वोट नहीं आलू है, मारे कह रहे हेडपंप नहीं लागू एटले मारे वोट नहीं आलू है। ये हम लोग बहुत सुन रहे हैं। कोई कहता है मारे घर RCC रोड नहीं क्यों तुम्हारे वोट में आलू है, कोई कहता है ये सरपंच काम का नहीं है, कोई कहता है ये प्रधान काम का नहीं है, कोई कहता है 84 विधायक काम का नहीं है, कोई कहता है 7 विधायक काम का नहीं है, तो काम का कौन सा है? कौन काम का बताओ मेरे को? कनकमल कटारा काम, कनकमल कटारा काम के काम के है क्या? गणेश गोगरा काम का है क्या? महेंद्र मालवीय काम का है क्या? अर्जुन बमड़िया काम का है क्या? सबसे बढ़िया गोपीचंद होगा फिर आपके लिए। ऐसे बखेड़े में मत पड़ना। आपने आए बड़े काले कलूटी में आपने माँ, लेकिन वो माँ होती है और आदिवासी परिवार ने आपको जो विचारधारा दिया है, आपने माँ लेकिन वो माँ होती है और आदिवासी परिवार ने आपको जो विचारधारा दिया है, उस विचारधारा को सर पे लेके चलना। निश्चित रूप से आपके सपने हम लोग लड़ाई लड़के पूरे लड़ेंगे, पूरे करवाएंगे। भाई मैं ये दो क्षेत्र पर तमार द्वारी उबो रही क्यों कहा को ढेवड़ा भी जो है ये राजू भाई हलवाई ने सिलवा के दिया है, ये बैठा आपके सामने। तो मैं नेता हो गया,